बच्चों बताइए, इससे पहले हम लोगों ने आपको साथ मिलकर क्या क्या पढ़ा था, क्या बताया था आपको? अभिव्यय, इबारी, शब्द। अरे वाह, बिल्कुल अच्छे से याद है। पर ये याद है कि अव्यय क्या होता है? कौन बताएगा? मैं। और कोई नहीं? मैं। अच्छा चलिए, आप ही बताइए। जो शब्द किसी कारण अपना रूप नहीं बदलता है उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे से याद है। और आप फिर से बताइए, कोई और बताएगा? जो शब्द अपना रूप किसी भी कारण नहीं बदलते उनको अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। बिल्कुल ठीक। और हमने उस दिन बताया था कि इसके कितने प्रकार होते हैं? चार। कौन से प्रकार होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आज हम इन प्रकारों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो पहला प्रकार हमने जाना था क्रिया विशेषण का, है ना? तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसको चलो एक वाक्य से ही पूछते हैं। माना गरिमा तेज लिखती है, ठीक है? तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? लिखती है। और कैसे लिखती है? तेज। तेज लिखती है। तो यानी लिखने की जो क्रिया है उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? तेज। इसका मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है, यानी तेज शब्द क्रिया विशेषण है ना? तो क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या हुई? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इधर उधर, नीचे ऊपर, ठीक है ना? सबसे पहले जान लीजिए कौन से भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। चार भेदों में सबसे पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आप सबसे पहले ये बताइए, ये चित्र जो है इसमें आप क्या देख रहे हैं? रात के 9:45 बज रहे हैं। 9:45 बज रहे हैं, ठीक है। और क्या दिख रहा है? तीन लड़कियां सोने के लिए बिस्तर ठीक कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, आप इस चित्र को देख के कोई वाक्य बनाइए। कोई? मैं। और कोई? आप बताइए। लड़कियां सोने जा रही है। अच्छा, और? लड़कियां सोने की तैयारी कर रही हैं। गरिमा? हमें जल्दी सोना चाहिए। चलिए, अगर हम गरिमा का वाक्य ले लेते हैं, हमें जल्दी सोना चाहिए, तो इसमें क्रिया क्या है? सोना चाहिए। और ये जो जल्दी शब्द है ये क्या बता रहा है, हमें कब सोना चाहिए? जल्दी। यानी ये जो जल्दी शब्द है ये क्या बता रहा है? उस समय को बता रहा है जब हमें काम करना चाहिए, ठीक है। और समय को ही हम दूसरे रूप में शब्द में क्या कह सकते हैं? काल। ठीक है। तो जो शब्द कार्य करने के समय की विशेषता बताते हैं, समय के बारे में बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आ गया ना? ठीक। जो शब्द काम होने के समय के बारे में बताते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इस चित्र को देखिए और इसमें बताइए क्या हो रहा है। मैं बताऊंगी। हाँ बताइए, चलिए। यहाँ पे एक आदमी छिड़क रहा है, ठीक है। यहाँ एक आदमी दवाई छिड़क रहा है। बिल्कुल ठीक। तो अगर हम इस वाक्य को देखें कि यहाँ एक आदमी दवाई छिड़क रहा है, क्या काम कर रहा है? छिड़क रहा है। और ये छिड़कने का काम कहाँ पे किया जा रहा है? गुफा। यहाँ पे। तो यहाँ शब्द किस बारे में बता रहा है? काम होने के स्थान के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? काम होने के स्थान। इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द काम होने के स्थान के विषय में बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आ गई समझ में? अच्छा, अब हम अगर इस चित्र को देखें, मैं बताऊंगी पहले, तो इसके बारे में हमें बताएंगे, आप ही बताएंगे? नहीं, हमेशा आप ही नहीं बताएंगे, अब कौन बताएगा? आप बताइए। एक लड़का अपने पिता के पैर झुककर अपने पिता के पैर छू रहा है। अच्छा, इसमें आप बहुत से बच्चे देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, और वो पिताजी दिखे आपको, ठीक है, और वो झुककर पैर छू रहे हैं। तो वाक्य क्या बना आपका? एक लड़का अपने पिता झुककर अपने पिताजी के पैर छू रहा है। ठीक है। तो अगर हम आपका वाक्य ही ले लेते हैं
तो कौन सा काम कर रहा है लड़का? पैर छू रहा है। पैर छू रहा है, कैसे छू रहा है? झुक कर यानी काम करने का तरीका। तरीका क्या है कि वो पैर झुक कर छू रहा है, तो झुक कर छूने को यानी काम करने के तरीके के बारे में बता रहा है। तरीके का ही दूसरा शब्द होता है रीति, यानी ये रीति या तरीका बता रहा है कि काम कैसे किया जा रहा है। तो जो शब्द काम करने के तरीके के बारे में बताते हैं उन्हें हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बिल्कुल सही, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और अब हम इस चित्र को देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है? थाली में बहुत सा खाना है। थाली में अलग अलग तरह का खाना है। ठीक, और कोई बताएगा? थाली में बहुत सा खाना है। हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये जो आप लोग बार बार कह रहे हैं बहुत सा, वाकई इस थाली में बहुत सा खाना दिख रहा है ना, चावल दाल रोटी सब्जी सब कुछ दिख रहा है, तो ये जो बहुत सा है ये क्या बता रहा है? बहुत सा, बहुत क्या बता रहा है? उसकी मात्रा, मात्रा। क्या बता रहा है? मात्रा, मात्रा। तो जो शब्द मात्रा बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे समझ में ना। तो ये तो थे क्रिया विशेषण के चार प्रकार, कौन कौन से होते हैं? कालवाचक, स्थानवाचक और नीतिवाचक, परिमाणवाचक। बहुत अच्छे, और ये हो गया आपके क्रिया विशेषण का चारों रूप। और अब हम इस चित्र पे देखते हैं, इस चित्र में हमें दिख रहे हैं क्या दिख रही है? चिड़िया और पेड़। अच्छा, चिड़िया और पेड़ दिख रही है। एक ही चिड़िया है क्या? दो चिड़िया। और इस वाक्य के, इसके लिए कौन वाक्य बनाएगा? इस चित्र को देखिए, गरिमा। दो चिड़िया पेड़ पर बैठी है। और कोई भी बनाना चाहेगा? चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, और कौन? दो चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी है। ठीक है, यानी इसमें चिड़िया कौन से शब्द कहलाता है? संज्ञा। और पेड़? संज्ञा। यानी दो संज्ञा शब्द है, और इन दोनों संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध कौन सा शब्द बता रहा है? पर। यानी चिड़िया कहाँ बैठी है? पेड़ पर। यानी पेड़ और चिड़िया के बीच में पर शब्द बता रहा है कि चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है। ठीक है, तो जहां पर दो संज्ञा शब्दों या दो सर्वनाम शब्दों के बीच में जो शब्द आपस में संबंध बताता है उसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक क्रिया, नहीं क्रिया विशेषण नहीं, संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी शब्द। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इस हिसाब से क्या हो गई? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे अंदर आगे। और अब हम आपको ये वाला चित्र दिखा रहे हैं, इस चित्र में बताइए क्या बना हुआ है? मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी। इस चित्र में क्या दिख रहा है? एक मोटा मगरमच्छ छोटे से बंदर को खा रहा है। अरे बाप, एक मोटा सा मगरमच्छ और छोटे से बंदर को खा रहा है। अब इस पे कोई वाक्य भी तो बना दीजिए, तो आप चित्र में बता रहे हैं हमें कि क्या हुआ, बताइए कौन वाक्य बनाएगा? मगरमच्छ बंदर को खा रहा है। ठीक, और बड़ा सा मगरमच्छ छोटे से बंदर को खा रहा है। अच्छा, तो जो आप लोग बोल रहे हैं बड़ा सा मगरमच्छ है और छोटा सा बंदर है, अगर इसको दो हिस्सों में बांट दें तो बताइए क्या बनेगा? इसके दो वाक्य बना दीजिए अलग अलग। एक मगरमच्छ मोटे से बंदर को खा रहा है। नहीं, ये तो एक ही वाक्य मगरमच्छ हुआ। एक मगरमच्छ है और वह एक छोटे से बंदर को खा रहा है। बिल्कुल ठीक, एक मगरमच्छ है और वो एक छोटे से बंदर को खा रहा है। तो यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य हो गया ना, एक मगरमच्छ है ये एक वाक्य हो गया, वो छोटे से बंदर को खा रहा है दूसरा वाक्य हो गया, और इन दोनों वाक्यों को किस शब्द ने जोड़ दिया है? और ने। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या देखा हमने? दो वाक्यों को एक शब्द ने आपस में जोड़ दिया है। तो जहां पर दो वाक्य के या दो शब्दों को कोई एक शब्द आपस में जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। तो इस तरह से समुच्चय बोधक अव्यय की क्या परिभाषा हुई? जो शब्द दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं।
ठीक है ना। अब जैसे और है, किंतु है, परंतु है, तथा, क्योंकि, ये सारे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो और अब इसके बाद हमें आपको दिखाना है एक अच्छा सा चित्र, और उस चित्र को देख के देखते हैं आप क्या कहेंगी, आप सब लोग क्या कहने वाले हैं इस चित्र को देख के, कौन कहेगा एकदम से, किसके मन में क्या आ रहा है, चलिए आप बताइए। एक सुंदर सा जिराफ है, ठीक है। वाह कितना सुंदर सा जिराफ है। अच्छा आप बताइए। देखो वह कितना सुंदर जिराफ है। यह जिराफ बहुत अच्छा है। अच्छा अब इसमें से देखिए दो लोगों ने क्या बताया, दो लोगों ने बताया जिराफ कितना सुंदर है, जिराफ कितना अच्छा है, यानी अपनी बात सीधे सीधे कह दी। और दो लोगों ने ऐसी बात को कहा कि अचानक उन्होंने देखा और उनके मन में क्या आया, जैसे गरिमा ने कहा ना वाह जिराफ कितना अच्छा है, यानी जिराफ को देख के उसके मन में खुशी हुई, प्रसन्नता, उसे अच्छा लगा, है ना। तो यानी उसके मन के भाव को उसने तुरंत प्रकट किया, वाह जिराफ कितना अच्छा है। क्या तुमने अभी बोला देखो, देखो भी अचानक, अरे देखो जिराफ कितना अच्छा है, तो ये जो अचानक मन के भाव प्रकट करते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक। क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक। विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, अचानक से कुछ हो जाए तो उससे विस्मय होता है ना। तो जो शब्द हमारे मन के भाव को अचानक प्रकट करते हैं उन शब्दों को हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, जो शब्द विस्मय, हर्ष, हर्ष माने खुशी, घृणा, शोक माने दुख, स्वीकृति, संबोधन या क्रोध आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे आहा, वाह, अरे वाह, ये सब विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। तो ये तो आपने आज अविकारी शब्दों के चारों प्रकार के बारे में जाना। कौन से प्रकार थे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक। तो अब आपको ठीक से समझ में आ गया ना।